नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति। देखिए दोस्तों, लेंस की जो क्षमता है या शक्ति है, कहा किसे जाता है, कहते किसे हैं कि लेंस के ऊपर आपतित जो प्रकाश की किरण है उसको अपने पथ से विचलित करने की जो क्षमता है या मोड़ने की जो क्षमता है, उसी को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी लेंस पर आपतित प्रकाश किरण को लेंस के द्वारा मोड़ने की जो क्षमता है उसे ही हम लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित करेंगे। पहले आप ये देखेंगे कि हमने आप लोगों को अभी जो डेफिनेशन बताई है वो क्या है, कि किसी प्रकाश किरण को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को लेंस की शक्ति कहते हैं। लेंस की शक्ति कहा जाता है। देखिए, लेंस की जो क्षमता है उसे पी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से इसे लिखा जाता है, दोस्तों। इसकी हम एक अन्य डेफिनेशन भी यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, जो मैथमेटिकल परिभाषा है कि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण एकांक दूरी पर आपतित होती है तो उस किरण में उत्पन्न जो विचलन होता है उसी विचलन को भी हम लेंस की क्षमता कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इसे आप समझ लेंगे कि लेंस की मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर, लेंस की जो मुख्य अक्ष है उसे एकांक दूरी पर आपतित समांतर प्रकाश किरण में यदि कोई समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उस प्रकाश किरण में उत्पन्न विचलन लेंस की क्षमता कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, क्या है, लेंस की मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर आपतित समांतर प्रकाश किरण में उत्पन्न जो विचलन है उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। उत्पन्न विचलन को लेंस की क्षमता कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर हम आप लोगों को एक डायग्राम की सहायता से समझाएंगे कि देखिए दोस्तों, डायग्राम क्या है, इसकी सहायता से हम किस तरीके से इसे समझा सकते हैं। यहां पर हम एक उत्तल लेंस लेंगे कि ये हमारे पास में एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस का यह है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली यह है इसकी मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष है दोस्तों। और मुख्य अक्ष के समांतर अब एक हम प्रकाश की किरण को आपतित यहां पर करवाने वाले हैं कि ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है दोस्तों। कहां से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु में से होकर गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल एफ से पुट करेंगे।
यदि प्रकाश की किरण इस लेंस के द्वारा अपवर्तित नहीं होती तो ये डॉटेड वाली लाइन के अकॉर्डिंग यहां से ये गुजरती। दोस्तों यहां पर आप समझेंगे कि यदि ये जो विचलन है इसको मैं थीटा से पुट कर दूं तो ये वाला एंगल यदि थीटा है तो ये वाला एंगल भी यहां पर थीटा होगा, और यदि मैं ये वाली जो डिस्टेंस है वो यदि एच से कंसिडर कर लूं तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बनेगा, और इस ट्राइंगल की सहायता से ही हम लेंस की जो क्षमता है, लेंस की जो शक्ति है, उसका फॉर्मूला यहां पर फाइंड आउट करेंगे। एक बार तो एक इस डायग्राम को देख लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण चल रही है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। यहां पर आप देखिए चित्र से आपको क्या प्राप्त हुआ है, चित्र से हमें मिला है हमें टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार, और इस ट्राइंगल के अंदर थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये वाला जो भुजा है वो दोस्तों आधार हो जाएगी। तो यहां से टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास में निकल कर आ गया, लंब तो है एच और आधार यहां पर है एफ, तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया एच बाई एफ। हम लेंस की शक्ति की परिभाषा से, लेंस की शक्ति की परिभाषा से, लेंस की जो शक्ति है उसकी परिभाषा से यदि यहां पर हम लें कि एच बराबर यदि एक मीटर ले लें, एच बराबर कितना ले लें दोस्तों, एक मीटर, कि लेंस की मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर, तो ये यदि हम दूरी है वो एकांक ले लें मतलब एक मीटर ले लें, तो आपतित प्रकाश किरण में उत्पन्न जो विचलन है उस विचलन को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। तो जो थीटा होता है उस थीटा को हम यहां से लेंस की शक्ति पुट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों एच बराबर एक मीटर, तो आप जो थीटा है उस थीटा को हम पी से कह देंगे, लेंस की शक्ति से हम पुट कर देंगे। दोस्तों इससे पहले हम एक चीज और यहां पर समझेंगे कि यदि थीटा अति अल्प है, यदि थीटा क्या है, थीटा अति अल्प है मतलब बहुत ही छोटा है, अति अल्प है, तो हम टेन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा पुट कर देंगे। नियरली इक्वल टू कितना पुट कर देंगे दोस्तों, थीटा, तो हमारे पास में यहां से क्या निकल कर आएगा, थीटा बराबर आ जाएगा एच अपॉन में एफ, और ये जो वैल्यू हमने अभी आप लोगों के सामने पुट की है इस वैल्यू को यदि यहां पर मैं पुट कर दूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पर आ जाएगा पी, एच के स्थान पर एक, तो पी बराबर हमारे पास में दोस्तों निकल कर आ गया है वन अपॉन में एफ। तो ये लेंस की जो शक्ति है उसकी एक अन्य परिभाषा हमारे सामने आ चुकी है कि लेंस की जो फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम को हम लेंस की शक्ति कहते हैं। तो यहां से हमारे पास में एक डेफिनेशन और निकल कर आई है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं। लेंस की क्षमता या हम कह सकते हैं शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास में क्या है कि जो लेंस की क्षमता या जो शक्ति होती है उसका मात्रक क्या होगा, यहां से P बराबर हमारे पास में है वन अपॉन में F, तो P का मात्रक, P का मात्रक क्या होगा, तो P का मात्रक वही होगा जो एक बट्टे में F का मात्रक है। तो एक बट्टे में F यहां पर फोकस दूरी, और फोकस दूरी को मीटर में मापेंगे तो एक बट्टा मीटर इसका मात्रक होगा, और एक बट्टा मीटर को हम कहेंगे डायप्टर, डायप्टर कहा जाएगा, डी से उसे पुट करेंगे दोस्तों। तो पी जो शक्ति है उसका मात्रक होता है एक बट्टा मीटर, जिसको हम डायप्टर कहते हैं।
अब देखिए दोस्तों, जो लेंस है, लेंस की जो शक्ति है वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, वो फोकस दूरी के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस के लिए, तो उत्तल यदि लेंस यदि हम यहां पर लें, तो उत्तल लेंस के लिए आप जानते हैं कि हम उसकी फोकस दूरी को धनात्मक लेते हैं। यदि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक, तो जो शक्ति है वो भी दोस्तों धनात्मक होगी। और अवतल लेंस के लिए देखिए, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी भी ऋणात्मक ली जाती है। एफ यदि नेगेटिव है तो वहां पर पी की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। तो उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है दोस्तों वो धनात्मक, और अवतल लेंस की जो शक्ति होती है वो ऋणात्मक होती है। यहां पर ये ध्यान आप रख लेंगे कि जो पी है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है दोस्तों। तो यहां पर ये जो धनात्मक है वो होता है उत्तल लेंस के लिए, और ऋणात्मक है वो होता है अवतल लेंस के लिए। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो शक्ति है जिसे हम पी से पुट कर रहे हैं, कि दो या दो से अधिक लेंस आपस में संयोजित होते हैं, तो उस कंडीशन में जो शक्ति है वो भी उसी तरीके से जुड़ जाती है। लेंसों का जो संयोजन होता है, दो से अधिक लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे होते हैं, तो कुल मिलाकर उनकी जो शक्ति है वो उनके एडिशन के बराबर होती है, और उसे हम लेंसों के संयोजन में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने लेंस की शक्ति की डेफिनेशन और मात्रक देखा। डेफिनेशन में हमने तीन डेफिनेशन देखी कि लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसको लेंस की शक्ति या क्षमता कहते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है कि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण एकांक दूरी पर आपतित होती है तो उसमें उत्पन्न जो विचलन होता है उसको भी हम लेंस की शक्ति या क्षमता कहते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास में यहां से फॉर्मूला आया, वहां से हम लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को भी हम लेंस की शक्ति कहते हैं दोस्तों। तो ये थी लेंस की शक्ति, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।